स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स दी हैगी है, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ये हैगा कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट व्हेन वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर वी गेट आर सी ओ ओ एच। सो इहदा मैकेनिज्म है दैट आर एम जी एक्स एड्स ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड, द आर एम जी एक्स का इलेक्ट्रॉन पेयर है जिहड़ा, इट अटैक्स कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डबल बॉन्ड ओ है जिहड़ा, एक वन ऑफ द डबल बॉन्ड्स इट शिफ्ट्स टू नैक्सट ऑक्सीजन, द आर गैट्स अटैच टू आर सी ओ, तो जिहदे ते नैगेटिव चार्ज गया एम जी एक्स पॉजिटिव है जिहड़ा, इट गोज़ देयर विद ऑक्सीजन जिहदे ते नैगेटिव चार्ज आया सी। सो दैन एसिटिक हाइड्रोलिसिस करके एम जी एक्स अलग हो जाना है, इतों अलग हो जाना है, तो वी गैट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एम जी एक्स ओ एच ए अलग हो जाता है। दैन कमिंग टू द नैक्सट रिएक्शन दैट इज मैलोनिक एस्टर सिंथिसिस। मैलोनिक एस्टर हों बेटा मैलोनिक एसिड जरा सी एच टू सी ओ ओ एच ट्वाइस, मतलब सी एच टू के दोनों साइड पर सी ओ एच लग्या हो, तीन कार्बन वाली चेन है, सिरिया से सी ओ एच है तो मिडल सी एच टू, दैट इज़ मैलोनिक एसिड। तो जे हाइड्रोजन नू सी ओ एच वाली नू दोनों दिनों रिप्लेस कर दिए सी टू एच फाइव ना, इट बिकम्स मैलोनिक एस्टर आ सी ओ एच ला के। वैन वी रिएक्ट इट विद सोडियम ईथोक्साइड है ना, आ दिस इज सोडियम ईथोक्साइड, तो दिस हाइड्रोजन इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय सोडियम बिकॉज दिस हाइड्रोजन नोन एज अल्फा हाइड्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इन नेबरहुड टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, दोनों साइड के इस कार्बोनिल ग्रुप से हूँ इस कार्बन के है ना। सो इस करके जिहड़ियां ये जिहड़ी है दोनों हाइड्रोजनस ने दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजनस, दे आर वेरी एसिडिक, दे आर वेरी रिएक्टिव। सो इस प्रॉपर्टी नू यूज़ करते हुए मैलोनिक एस्टर इज़ यूज टू प्रिपेयर मैनी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैनी अदर थिंग्स इन द ऑरगैनिक केमिस्ट्री। सो ये आप सोडियम ईथोक्साइड ना रिएक्ट करके दिस वन ऑफ द हाइड्रोजनस इट इज़ सबस्टिट्यूटेड बाय सोडियम, यदी थान पर आ गया। फिर सोडियम नू असी आर ग्रुप नाल जे आर एक्स ना इनू करिए रिएक्ट तो एन ए एक्स गोज़ आउट, तो यदि थान पर फिर आर आ सकता, पहला सोडियम आऊगा फिर वो थान पर आर ग्रुप कोई भी अल्काइल चेन आऊगी। सोडियम ईथोक्साइड वी गैट सोडियम सी एच सी ओ ओ सी टू एच फाइव, दैन रिएक्शन विद आर एक्स तो उस हाइड्रोजन की थान पर जिते सोडियम आया सी नाउ वी आर गैटिंग आर ग्रुप। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सनट्रेशन और अमाउंट ऑफ सोडियम ईथोक्साइड टेकन, जे तो बराबर द ले ली अमाउंट तो एक हाइड्रोजन जाऊगी है ना, जे ज़्यादा अमाउंट लें तो दोनों हाइड्रोजनस भी यदियाँ सबस्टिट्यूट हो सकदियाँ ने। सो जदों दोनों हाइड्रोजन सबस्टिट्यूट होणगियां पहला दूसरी थान पर पहले एक रिएक्शन होगी, फिर दूसरी थान पर भी दूसरी हाइड्रोजन की थान पर भी सोडियम लगेगा, फिर वो थान पर आर लगेगा। सो वी गैट दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल दैन, जिथे दोनों हाइड्रोजनस रिप्लेस होकर आर आर डैश आया हुआ, दो अल्काइल चेन्स आई हुई। अच्छा हूँ असी लैने केस वैन वी हैव जस्ट गॉट वन आर ग्रुप, एक ही हाइड्रोजन सबस्टिट्यूट की है वो मोनो अल्काइल मैलोनिक एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल, बटे अगे पहला तो इतने जी चेन मन भाई ला सकते हैं जो भी लानी है आर एक्स लैके है ना, आर जिनी भी चेन लानी है दो वाली लानी है जी रिक्वायरमेंट आ जो भी एसिड लाने आर इज टेकन ऑफ दैट लेंथ। फिर ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਟਿਵ ਟੂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਚ ਆਜੂਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਵੀ ਗੈਟ ਸੋਡੀਅਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸੀ ਟੂ ਐਚ ਫਾਈਵ, ਤਾਂ ਆਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂ ਐਚ ਫਾਈਵ ओ एच एन ए ओ एच ये आ गया। ओके दैन विद एच सी एल वी गैट आर सी ओ ओ एच, हूँ एच आ गया फाइनली। दैन ऑन हीटिंग नाउ देर आर टू सच ग्रुप्स है ना, बारह दो लिखा हुआ, जो इनू हीट करा डबल एसिड न देर आर टू सी ओ एच ग्रुप्स ऑन बोथ द एंडस ऑफ द चेन, तो वन ग्रुप विल बी डीकंपोज टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हीट करके एक ही ग्रुप रह गया आर सी एच टू सी ओ ओ एच। सो हाइड्रोजन जी सी सी ओ एच की वो इतने दिखाती हुई है कि इतने वो हाइड्रोजन रह गई, तो बाकी की चेन उस आर सी एच टू सी ओ ओ एच। सो वी हैव गॉट
दिस एसिड। देन डाई अल्काइल मेलोनिक एस्टर, ये दोनों ग्रुप्स पहले अटैच कर ले थे, फिर एदा ट्रीटमेंट फिर उस रही, पहले एक बार सोडियम लेके आवेंगे फिर एसिड ना करके वो थान पर एच लेके आवेंगे। सो वी गैट डबली सबस्टिट्यूटर एसिड और सिंगली सब्सटीट्यूटर। सो इट डिपेंड्स के वी रिक्वायर वन आर और सम ब्रांच चेन है ना, कार्बन ते इस कार्बन ते दोनों पासे चेन्स इस तरह लग जानी है। ओके देन देर इज समटाइम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समटाइम्स यू गैट प्रेपरेशन ऑफ एन वलेरिक एसिड। सो बेटा इनू याद रखना पैना कि फाइव चेन वाला एसिड है, CH3, CH2, 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 COOH। हुण इनू बनाउण वास्ते मेलोनिक एसिड है जिहड़ा ओ सी ओहदा इन्ना ही पार्ट आउंदा है, वी आर हैव वी गैट जस्ट दिस मच पार्ट फ्रॉम सक्सीनिक एसिड, क्योंकि एक सी ओ एच तो रिमूव ही हो जाता है, जिहड़ा सी ओ ओ सी टू एच फाइव के दो ग्रुप से ना, सो एक तो रिमूव ही हो जाता है, वो दो कार्बनस रह जाएँ, आह चीज़ सानू एक्सट्रा ऐड करनी पैनी है एन वलेरिक एसिड दे विच। सो की करांगे मेलोनिक एस्टर आ जिस तरह दिखाया हुआ है, इनू बेटा इतों शुरू करूँगी जो थोड़ा आता था, यू विल से मेलोनिक एस्टर, दैन यू विल फॉर्म सोडियम मेलोनिक एस्टर, दैन आर हेयर वुड बी योर CH3, CH2, Cl है ना, एक्स जड़ा भी कुछ लाना तुम्हें एक्स। सो तीन कार्बन वाली चेन इतने दिखाऊंगी ऐड होंगी, फिर तीन कार्बन की चेन इतनी थान पर तुम लाती आर की थान पर CH3, CH2, CH2, दैन यू विल गैट अच्छा आ दिखाया है पहले सोडियम ए थान पर दिखाती तीन की चेन आ दिखाया ही हुआ CH3, CH2, CH2। सो यू गॉट एन प्रोपाइल मेलोनिक एस्टर, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल सी टू एच फाइव रिमूव कर देंगे, सी ओ एन ए बन गया, फिर एच सी एल नाल सी ओ एच बना देंगे, एंड फाइनली आफ्टर हीटिंग यूल रिमूव वन ऑफ द सी ओ एच ग्रुप्स एंड यू गैट एन वलेरिक एसिड। सो बटे बाय नेम कई बार रिएक्शन आती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनू कर लियो। इस तरह का एक होर कंपाउंड है जिदे अल्फा हाइड्रोजन बड़ी रिएक्टिव होंगी है, सो दिस इज नोन एज एसीटो एसिटिक एस्टर है। सो ये जो अं कहे दिस इज जे इतने हो पिछे एच हो सी एच क्योंकि आता हो गया ना ये वन ऑफ द हाइड्रोजन सी एच थ्री सी ओ एच हों एसिटिक एसिड हों, हूँ एक हाइड्रोजन की थान पर असें सी एच थ्री सी ओ लाता, सो दिस इज एसीटो ग्रुप, एसीटो एसटिक एसिड हों जी पिछे एच हों, हूँ असी सी टू एच फाइव लाता तो एसटर बन गया है एसीटो एसिटिक एस्टर। सो इनू भी उस तरह ही रिएक्ट करके वी कैन सबस्टिट्यूट वन ऑफ द हाइड, हूँ अल्फा हाइड्रोजन इतने केड़ी है, अल्फा हाइड्रोजन हेयर इज दिस। सो जो सोडियम इनू करा सोडियम इथोक्साइड नाल मिडल वाली हाइड्रोजन ए जी एक हाइड्रोजन सी ओदी थान पर असी सोडियम दिखा रहे हैं, इतने भी दिखा सकते हैं मिडल च भी उन्होंने बाहर दिखाता ब्रैकेट के, दैन विद दिस सम अलकाइल हेलाइड जी चेन रिक्वायर्ड असी वो लाती अगे, ठीक है वो साइड से आ दिखा रहे हैं इतने आ लग गई क्योंकि सोडियम असी बाहर दिखाया से ना एस कार्बन पर ही लगनी है जितों हाइड्रोजन मूव हुई है। सो ये सी एच थ्री सी ओ लग गया एक आ चेन लग गई, दैन विद कॉन्सनट्रेटड सोडियम हाइड्रोक्साइड वी आर हैविंग थ्री पार्ट्स, आ मैं थोड़े डॉटेड लिखाए भी हुए थोनों, एक तो इतों ब्रेकेज होगी एक इतों ब्रेकेज होगी। सो पहले तो सी एच थ्री सी ओ तो सी एच थ्री सी ओ एच बन जूगा, एच तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच आ एक आ मोलीक्यूल बन जूगा, सिरे वाले तो सी टू एच फाइव ओ एच बन जूगा है ना। सो वी आर गैटिंग थ्री सच मोलीक्यूल्स आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो आ बन रहा बेटा, ठीक है एन वलेरिक एसिड। पर इस तो पहली रिएक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तुसी याद रखनी है जरूर। दैन नैक्सट रिएक्शन इज़ अरंट आइस्टर होमोलोगेशन। अच्छा ये बच्चे तीन तरह की रिएक्शन, ये है कि जिमें स्टार्टिंग एसिड है वो एक कार्बन ऐड करनी हो, हायर एसिड बनाना हो जिद एक कार्बन ज़्यादा हो, जड़ा ये हैगा इनू कहते वॉल्फ रीअरेंजमेंट। वॉल्फ रीअरेंजमेंट की है कि एसिड दे ओ एच नूं पहलां तुसीं सी एल नाल रिप्लेस कर लो बाय यूजिंग एस ओ सी एल टू, उस तो बाद
ऐड कर दो एक कार्बन, कार्बन जी ऐड करनी है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ सी एच टू एन टू। सो इन की कहने हो डायजोमीथेन। थोड़ा याद होगा कि यह कार्बीन प्रोड्यूस कर दी है नाइट्रोजन की रिमूवल तो बाद, सी एच टू डबल डॉट ला के कार्बीन लिख दें। सो दिस कार्बीन इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर रिमूवल ऑफ एन टू। सो ये बेटा जो रिएक्शन दिखाना है तो इतने अटैच करती सी एल की थान पर, नाइट्रोजन कढ़ती सी एल की थान पर सी एच एन टू लिख लिया, एच सी एल गोज़ आउट। आ दिखाता ना सी एल तो एक एच है जड़ा इतों, इट गोज़ आउट इन द फॉर्म ऑफ एच सी एल, आ मॉलिक्यूल बन गया। फिर ये बचे रीअरेंजमेंट होंगे कि दिस आर स्टार्टिंग आर इट गेट्स अटैच टू दिस सी एच। सो इतें जाके अटैच होंगी है अलोंग विद आ इलेक्ट्रॉन्स लिजा के देते, क्योंकि आता इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जी आ कार्बन है आ वाली है ना। सो इतें चली जाती है आर गेट्स अटैच हेयर, तो सिल्वर ना जो हीट करते हैं तो नाइट्रोजन बाहर चलिया जाता है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ आर सी एच। आ जो सी एच थ्री वाला लगे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डब सॉरी आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। सो आ कीटीन बन जाती है, दैन ऑन हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स आर सी एच टू सी ओ एच। ठीक है, सो एक कार्बन इंक्रीज होगी स्टार्टिंग एसिड तो, दिस इज़ नोन एज वुल्फ रीअरेंजमेंट। जी असी सी एच एन टू एड किया करके रीअरेंजमेंट हुई है। ओके दैन इस तरह का एक होर है, पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुल्फ रीअरेंजमेंट है जोड़ा। फिर हैगा कि एलकॉक्साइड तो एसिड बनाना है पर एक कार्बन जिस ज़्यादा हो स्टार्टिंग मटीरियल तो। सो सोडियम एलकॉक्साइड आर ओ एन ए कार्बन मोनोक्साइड ऐड करते हैं अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड हीट, हीट भी करते हैं प्रेशर भी दें एंड वी गेट आर सी ओ ओ एन ए। हम सो पहला असी अलकोहल का सॉल्ट लिया कार्बन मोनोक्साइड ऐड करती तो एसिड का सॉल्ट बन रहा आर सी ओ ओ एन ए। फिर हाइड्रोलाइज करता एन ए रिमूव करने लिए तो इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल आर सी ओ एच एंड एन ए सी एल। अच्छा एक होर यदि एग्जाम्पल है जिदा जिन्हों भी ना दें जिन्हों असी कहने हैं इट इज़ नोन एज कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन के कार्बन मोनोऑक्साइड तो वाटर ऐड होंगे, बहुत सारिया इस तरह दिएक्शनस ने बहुत सारे थान पर एडिशन होंगी कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर की। अच्छा हम ये की लै रहे हैं अपन, वी आर टेकिंग ईथीन। सो डबल बॉन्ड वाली सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू कार्बन मोनोऑक्साइड तो वाटर ऐड किया जा रहा है 600-700 कैलविन पर, तो प्रेशर है एट हाई प्रेशर एंड वी आर गैटिंग सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच। सो अल्कीन दे विच आ सारा कुछ ही ऐड हो गया, जे असीं ऐड करिए नंबर ऑफ एटम्स तो टोटल होणगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो वाटर ऐड करके। सो दिस इज़ नोन एज कोच रिएक्शन। सो ये हो गया कि होमोलोगस जिहड़ी हायर सीरीज़ लैण वास्ते। दैन कम्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा बॉयलिंग ते मेल्टिंग पॉइंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे विच असी कहांगे कि जिहड़े इन्हां दे फस्ट बॉयलिंग पॉइंट्स दे आर हायर दैन इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला अलकोहल, जेहड़े जे कंपेयर करिए तीन वाला तीन ना एसिड ना करिए अलकोहल या चार वाला चार ना करिए अलकोहल्स नालों कार्बोक्सिलिक एसिड दे बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे है। वह क्यों हो सकते हैं, टू रीजनस। एक तो यह कि ओ एच है जो कार्बोनिल ग्रुप न अटैच होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इस करके जी यदि ओ तो एच की इलेक्ट्रॉन की सैपरेशन है इस ज़्यादा हो पोलैरिटी ज़्यादा बनती है। सो हाइड्रोजन पर ज़्यादा चार्ज ऑन करके स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी है ना, हाइड्रोजन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊगी। दूसरा हैगा कि नैगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है कार्बोनिल ग्रुप की, वो पार्शियल नैगेटिव चार्ज मतलब जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ ड्यू टू दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो असी कहना कि कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस करके एस की प्रेजेंस करके हाइड्रोजन पर ज़्यादा चार्ज आता है इसलिए स्ट्रोंग बॉन्ड बनता है, तो कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन है जी वो पोलैरिटी करके जी अलकोहल होंगी नहीं है तो ये होंगी है। सो यदी पोलैरिटी करके ऑक्सीजन पर आता है नैगेटिव चार्ज, इस करके जोड़े डाइमेरिक स्ट्रक्चर इस तरह की बन सकती है कि दोनों ऑक्सीजन तो कार्बन एक मॉलीक्यूल की ऑक्सीजन कार्बोनिल वाली ओ एच वाली हाइड्रोजन, इस तरह ही फिर ए ओ एच तो दूसरे का ओ। सो
ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਹ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਡਬਲ ਦਿਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਫ ਓ ਐਚ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਫ ਓ ਐਚ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਆਫ ਕਾਰਬਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਐਸਿਡਸ ਹੈਵਿੰਗ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬੋਕਸਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੋਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਈਵਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਵਾਲੇ 'ਚ CH3 ਸੇਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ CH3 ਅਤੇ COOH ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਐਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੈਕਟਲੀ ਅਰੇਂਜਡ, ਸਪੇਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੰਪੈਕਟਲੀ ਅਰੇਂਜ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪੈਕਟਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਹੈਵਿੰਗ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਐਸਿਡਸ ਆਫ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਸਾਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਮੋਲੀਕੁਲਰ ਵੇਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਡ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਕਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਕਟ, ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਨਰ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਅਰੇਂਜ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਫੇਸ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸੇ ਦੇ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ, ਹੈ ਨਾ। ਪੈਕਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਓਕੂਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਲਿਕ ਐਸਿਡਸ।